नमस्कार, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप देखते रहे टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां अकबरपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ने ईओ को बंधक बनाया। बैठक के दौरान चेयरमैन सरिता गुप्ता और ईओ अविनाश सिंह के बीच कुछ जमकर तकरार हुई थी। बीच में ही बैठक छोड़कर निकले ईओ को चेयरमैन और सभासदों ने उनके ही कमरे में बंधक बना दिया। दरवाजे के सामने चेयरमैन, उनके पति और कुछ सभासद बैठे। एसडीएम सदस्यों को तवाल बनाने में जुटे हैं और फिर भी चेयरमैन व सभासद नहीं मान रहे हैं। तो खबर आपको अम्बेडकर नगर जनपद के अकबरपुर नगर पालिका से दिखा रहे हैं, जहां नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ने ईओ को बंधक बना दिया है। फिलहाल मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर सीओ कोतवाल मनाने में जुटे हुए, लेकिन फिलहाल इस मामले में चेयरमैन और सभासद मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। मैंने कर्मचारियों के हित में, कर्मचारियों के सैलरी के बात की है इनसे कि त्यौहार आ रहे हैं, 2 महीने से सैलरी मिली नहीं है उनको, 3रा महीना चल रहा है और 3रे महीने पर भी मेरी रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने सलूशन नहीं निकालने के बजाय मेरे सामने से झटक कर उठ के चली गई। अब ये बताएं आप सब कि जब नगर पालिका अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी से बात कर रहा हो, उससे बात कर रहा हो कि किस तरीके से सैलरी देनी है और कैसे आप देंगी, क्यों नहीं आप दे रही हैं, क्यों जब से आप आई हैं तब से हर चीज़ में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, तो आप जवाब देने की बजाय उठ करके चले जाना, ये कहाँ तक सही है? और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अध्यक्ष अगर अधिशासी अधिकारी से बात कर रहा है और उससे जवाब जानना चाहता है तो जवाब देने के बजाय आप झटक कर चली जाएंगी। कहाँ की डीएम है मुझे ये बताएं। इस तरीके से अध्यक्ष और वहाँ पर 10 सभासद भी मौजूद थे, किसी का मान सम्मान नहीं है। हम लोग किस तरह से भाजपा के चेयरमैन और भाजपा के सभासद हैं? यही इज्जत है भाजपा सरकार में हमारी कि एक अधिशासी अधिकारी के सामने हम लोगों को लज्जित होना पड़ेगा? एक अधिशासी अधिकारी हम लोगों की तौहीन करके चला जाएगा? जौनपुर से खबर है, जहां अजय सहनी पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी किराकत के पर्यवेक्षण एवं दिशा निर्देशन में थाना किराकत कोतवाली जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक किराकत त्रिवेणी लाल सेन के नेतृत्व में खर्ग सेनपुर पुलिया के पास से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त धीरज यादव पुत्र रामाधार यादव निवासी अवार थाना किराकत जौनपुर को चोरी की एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर व एक अदद नजायज पिस्टल व 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ आज गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि गश्त व चेकिंग का एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस चेकिंग अभियान के तहत मुखबिर खास के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल व असलहा होने की बात हमारे संज्ञान में आई। मौके पर तुरंत ही पुलिस टीम द्वारा पहुंच करके जांच की गई तो तथ्य सही पाया गया और एक अभियुक्त धीरज यादव पुत्र रामाधार यादव निवासी ओवार थाना केराकत के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अदद ऑटोमेटिक पिस्टल 9mm, 2 अदद जिंदा कारतूस यह हमें प्राप्त हुआ है। इससे पूछताछ के आधार पर इसने मुलायम यादव उर्फ अर्जुन यादव पुत्र चितई यादव निवासी पूरनपुर थाना केराकत से इस शस्त्र को खरीदने की बात स्वीकार करी है। मुकदमा अपराध संख्या 247/21 और 248/21 पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बलिया पुलिस ने एक इनामिया सहित 2 साथी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देश पर थाना रेवती व थाना बांसडी पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि थाना रेवती जनपद बलिया पुलिस द्वारा एक अभियुक्त शैलेश सिंह पुत्र द्वारका सिंह निवासी चित्र विश्राम खुर्द थाना सहतवार जनपद बलिया को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। तो वही थाना बांसडी जनपद बलिया पुलिस द्वारा गोवध अधिनियम से संबंधित 10,000 रुपये का इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ के अतौलिया क्षेत्र अंतर्गत लोहरा गांव निवासी राजेश पुत्र मिश्री लाल का कच्चा मकान जो NH-233 के बगल में काफी पुराना बना था, जिसमें परिवार के लोग रहते थे, बुधवार को तेज बारिश के बाद मकान पूरी तरह से गिर गया। इसमें किसी तरह लोगों की जान बची। सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और किसी तरह लोगों को सुरक्षित बचाया गया। वही घर में रखे गृहस्थी के सामान पूरी तरह से नष्ट हो गए। सड़क किनारे बना कच्चा मकान काफी पुराना था, जिसमें परिवार के लोग रहते थे तथा उसके बगल में ही मवेशी भी रहते थे। मकान बरसात की वजह से धराशायी हो गया, इसमें रखा गृहस्थी का सारा सामान नष्ट हो गया। गृह स्वामी राजेश कुमार ने बताया कि इसी मकान में हम लोग काफी दिनों से अपना गुजर बसर करते थे, जबकि पूर्व ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के द्वारा अभी तक हमें आवास नहीं मिला। इसके लिए कई बार पूर्व प्रधान द्वारा हमसे जरूरी कागजात भी लिए गए, परंतु अभी तक हमें आवास नहीं मिला। प्रधान पति राज कपूर ने बताया कि जब हम लोगों को सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि पूरा घर गिर गया है। संबंधित लेखपाल को फोन द्वारा इसकी सूचना दी गई है।
घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान उसी मकान में तब क्या, जिसपे गृहस्थ स्वामी राजेश को बहुत भारी नुकसान हुआ है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। ये मकान गिरा है, आवास नहीं को मिला था, आप यहाँ आए इसके बारे में जी? हमको जब सूचना मिली तो हम आए हैं और देखे हैं और अपने लेखपाल को सूचित किए हैं। लेखपाल जी आएंगे, देखेंगे, रिपोर्ट लगाएंगे। अब फिलहाल जहाँ तक हमारा पूरा प्रयास होगा कि हमको इनको हम इनको जो है आवास दिलवाने का प्रयास करेंगे। लगभग इनका कितना नुकसान हुआ होगा, इतना मकान में क्या नुकसान हुआ उसके बारे में बताएं? अब जो भी 10-20-25 हज़ार 50 हज़ार का हुआ हो, घर गृहस्थी का जो भी सामान होता है सब दब गया उसी में। यहाँ सबके जो है मदद से सामान वामान निकाला गया है। कहाँ के निवासी, आपका घर गिरा इसके बारे में? मेरा नाम राजेश्वर ग्राम लोहरा है, और लोहरा जिला आजमगढ़ तहसील बूढ़नपुर है। और इसी घर में हम लोग रहते थे सर, घर गिर गया, सामान भी थे इसमें, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। आपको आवास नहीं मिला अभी तक? नहीं सर, कोई आवास नहीं है। फिर उसके बाद हम प्रधान को सूचित किए, प्रधान जी आए और हमारी जो मदद करने लायक थे किए। कोई जांच करने आया, लेखपाल जांच करने आया? कोई नहीं आया अभी तक। आजमगढ़ में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव बचपन डे केयर सेंटर आजमगढ़ में दिव्यांगजनों द्वारा स्मरणोत्सव संवाद कर मनाया गया, जिसमें दिव्यांगजनों द्वारा भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत के वीर शहीदों सपूतों को नमन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग निवास दृष्टिबाधित दिव्यांग द्वारा शहीदों का स्मरण करते हुए कहा गया कि यदि देश की आजादी के लिए वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति न दी होती तो देश आजाद नहीं होता, हमारा कानून नहीं होता और दिव्यांगजन नौकरी नहीं पाते, न ही अन्य सुविधाएं प्राप्त कर पाते। इस अवसर पर जेपी सिंह, उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा 9 अगस्त 1927 को काकोरी कांड के अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिनी, सच्चिदानंद बख्शी, गोविंद चरण आदि को तथा चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 के अमर शहीद विक्रम दुदही भगवान अब्दुल्ला कालीचर लौटी महादेव आदि का स्मरण किया गया तथा उनकी वीर गाथा से उपस्थित दिव्यांगजनों एवं आमजनों को अवगत कराया गया। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस तथा 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे, मंगल पांडे एवं नानाजी आदि की भी वीर गाथा का स्मरण किया गया। श्री सिंह द्वारा दिव्यांगजनों को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना से भी अवगत कराया गया तथा बताया गया कि दिव्यांग 9 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2021 के बीच जनपद आजमगढ़ के विकास खंड तरवा, अतरौलिया, कोयलसा, अहरौला, फूलपुर, पवाई में दिव्यांगजनों के लिए उपकरण हेतु परीक्षण कैंप कराए जा रहे हैं तथा साथ ही शहीदों का स्मरण किया जा रहा है। इस अवसर पर 4 पात्र दिव्यांगजनों को विभाग द्वारा वैसाखी भी प्रदान की गई। इस वर्ष देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत फाइन आर्ट सेंटर द्वारा पेंटिंग ऑन कैम 3 दिवसीय निःशुल्क वर्कशॉप का आयोजन किया गया। फाइन आर्ट सेंटर की निर्देशिका लीना मिश्रा ने बताया कि सेंटर के 19 कलाकारों ने स्वतंत्रता विषय अनुरूप कैंप में तिरंगे के रंग से अपनी देशभक्ति को कलात्मक रूप से चित्रित किया। तिरंगे में श्वेत रंग शांत का प्रतीक है, जबकि हरा रंग स्मृति का प्रतीक है। एक केसरिया रंग देश के प्रति प्रेम और बलिदान को दर्शाता है। डॉक्टर लीना ने बताया कि तिरंगे का अपमान सर आंखों पर होता है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ही कलाकारों में देशभक्ति के भाव को भरना और उस भाव को रंगों के माध्यम से अभिव्यक्ति कराना था। साथ ही रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम भी था। कलाकार बेटियों के पेंटिंग किए कैफ खरीदे भी जा सकते हैं। 10, 11 और 12 तीन दिन चली वर्कशॉप में बाल कलाकार आशिनी, श्लोका, मानवी, एंजेल, काशवी, अनंत और अन्य कलाकार प्रिया, दीप्ति, स्वाति, साक्षी, मुस्कान, कृष्णा, पूजा, अनिता, श्रियांशी, श्रद्धा, स्मृति, अर्पणा व पूनम ने प्रतिभाग किया। आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन स्थित पान दरीबा के शिवालय में नागवंशी चौरसिया लोगों ने अपने कुल देवता तथा कुलगुरु चौरसी महाराज का पूजन अर्चन कर धूमधाम से मनाया। नागपंचमी पर्व और चौरसिया दिवस आजमगढ़ देव चौरसिया महासभा के संतोष चौरसिया के द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया और संदीप चौरसिया के द्वारा पान दरीबा में स्थित शिव मंदिर की रंगाई पुताई का कार्य कराया गया। जिलाध्यक्ष अरुण कुमार चौरसिया के नेतृत्व में यह महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से के चौरसिया, हेमंत चौरसिया, हरिश्चंद्र चौरसिया, जगदीश प्रसाद चौरसिया, मिथिलेश चौरसिया सहित तमाम चौरसिया उपस्थित रहे। अपना परिचय दीजिए। मैं के चौरसिया जिला प्रभारी आजमगढ़ चौरसिया महासभा की तरफ से बोल रहा हूँ। आज चौरसिया महासभा की तरफ से किस तरह का आयोजन किया?
आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर पूरे भारत में नागपंचमी मनाई जा रही है। इसको चौरसिया दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले में नागपंचमी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें जनपद और दूर दूर से हमारे सारे भाई मिल करके नागपंचमी मना रहे हैं, भगवान शिव का पूजन अर्चन कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा जनपद नागपंचमी का पर्व मना रहा है। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य अपने चौरसिया समाज को जोड़ना है, एकजुट करना है, एक मंच पे लाना है। और हम लोग नाग वंश के वंशज हैं और इसको इसकी जागरूकता हमारे समाज में अभी नहीं आ पाई है, तो इसको चौरसी महाराज हमारे कुल देवता हैं और इस महोत्सव के माध्यम से सारे लोगों तक ये बातें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।